वृंदावन प्यारो मेरो वृंदावन प्यारो। जी हाँ, शॉर्ट वीडियो जो है बहुत ज्यादा इस कथन पर आपको वायरल होती दिख रही होगी। अब देखिए, जैसे आप 10 शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनमें से कम 2 शॉर्ट वीडियो इसी कथन पर आ रही होंगी। और ये 5 साल की बच्ची बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर तबाही मचाई हुए है भाई। सिर्फ क्या 15 सेकेंड के बोल हैं, और उन्हीं बोल से वृंदावन प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन प्यारो, मतलब 15 सेकंड में पूरी सोशल मीडिया पर तबाही है। जो चैनल कभी उठे हुए मतलब डेड हो गए थे ना, अगर उन लोगों ने ऐसे बना के मतलब इनके ऊपर बना के ग्रीन स्क्रीन का यूज करके वीडियो डाला है ना, तो कम से कम 2-2.5-3 हजार सब्सक्राइब आराम से हो गए होंगे, जिसके 100-150 होंगे। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे खुद के एक पड़ोस में एक भैया रहते हैं, तो उन्होंने इनके ऊपर बनाया, देखो स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रहा हूं मैं, तो ये चैनल है इस पर 25 हजार हो गए यार। क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने लगातार 5-6 वीडियो डाल दी और वो लाखों में चली गई और सब्सक्राइब आते चले गए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इस चीज को लेकर। और दूसरी बात, अब जो बात करने वाले हैं, थोड़ा सा अभी हम जो थंबनेल पे 99% टैलेंट या 1% किस्मत, दोनों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, बने रहिए वीडियो में। देखिए, जब हम किसी काम को लगातार, एक ही काम को लगातार करते चले जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 4 5 7 7 ऐसे पूरा करते हुए चले जाते हैं, तो एक टाइम ये आता है कि आप उस काम के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, एज ए कंपेयर जिसने वो काम किया नहीं है ना, उससे बहुत ज्यादा आपसे मतलब आपको नॉलेज हो जाती है। एंड आप उस काम के अंदर धीरे धीरे निपुण होते चले जाते हैं। अब आप निपुण होते चले जाते हैं तो लगता होगा कि यार, एक बात ये सोचो कि अब मेरे पे ये काम आ गया, तो क्यों ना मैं अपने टैलेंट का यूज करके इससे कुछ मतलब आगे समाज में, अगर पॉजिटिव चीज है तो इसको समाज में फैलाऊं, या फिर अपनी जीविका चलाने के लिए मैं इस टैलेंट का यूज करूं सोशल मीडिया के ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है। एंड देन आज के टाइम पे अपने टैलेंट को वायरल करने के लिए आपको सोशल मीडिया पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको काफी ज्यादा हद तक लोगों तक पहुंचना है, रीच बनानी है, तो सोशल मीडिया पर तो आना ही पड़ेगा। अगर ये सोशल मीडिया पर लड़की नहीं आती, तो गारंटी है कि इनको सिर्फ आस पड़ोस के 100 या 150 किलोमीटर के आयरे दायरे के लोग ही सिर्फ जान पाते। आज पूरा 200 छोड़ो, 500 छोड़ो, हजार हजार किलोमीटर के दायरे में भी इनको सब जान चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आपने खुद भी देखा होगा। एंड देन बात करेंगे, देखिए एक मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखी थी, अब किस्मत और टैलेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पे एक वायरल रील देखी थी, उसमें बोला गया था कि अगर आपको सोशल मीडिया पर वायरल होना है तो क्या करना होगा। तो देखिए कुछ चंद शब्द उसे रील के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस रील से मुझे क्या सीखने को मिला। उसमें सीखने को मिला कि देखिए, आज के टाइम पर जो भी इस पृथ्वी पे है, उसमें किसी ना किसी चीज का टैलेंट वाकई भरा हुआ है। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति के पास किसी ना किसी चीज का टैलेंट है, लेकिन वो सामने कैसे नहीं आ पाता, वो इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि वो लगातार कोशिश नहीं करता। अब कोशिश हमें करनी चाहिए, अच्छी बात है। अब हम कोशिश कर रहे हैं अपने टैलेंट को लेकर, तो आपको लगेगा भी कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा, लेकिन 99% आपका टैलेंट है ना, तो उस टैलेंट को वायरल होने के लिए, उस टैलेंट में जान डालने के लिए आपकी 1% किस्मत का होना सबसे बड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर सपोज कीजिए, आज मैं आप बात करूं छोटे राजपाल को, आप जानते होंगे, आप इन विष्णु प्रिया जी को जानते होंगे, दोनों छोटे ही बच्चे हैं ना, तो अभी ये जानते होंगे कि हम YouTube से पैसा भी कमा सकते हैं, क्या जानते होंगे जितने छोटे एज के हैं। अभी मान के चलिए राजपाल जी को, मैं बात छोटे राजपाल की बात करूं, तो सिर्फ क्या YouTube से वो मोटू पतलू देख सकता है, अभी इतना ही पता है उसको, लेकिन क्या उसका क्या गांव में लोग बाग कहते होंगे कि भाई थोड़ा तुतला के बोलते हैं, तो सीधी सी बात है तोतला बोलते होंगे, लेकिन उसी तोतलेपन ने आज उन्हें स्टार बना दिया। आपने उनका वायरल सॉन्ग भी देख लिया, आपने उनकी वायरल क्लिप भी देख ली, तो कहीं ना कहीं आता है कि आदमी का टैलेंट किस्मत पर भी कभी कभी डिपेंड करता है, और वो 1% किस्मत जो है ना, वो आपकी 100% के बराबर होती है। लोग बस सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए क्या क्या नहीं करते, मैं ये बता रहा हूं, यूट्यूब का कोर्स करेंगे, वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, क्लिप सीखे, मतलब इतने सारे कोर्स कर लेंगे कि मुझे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना है।
फिर भी कुछ नहीं होता। और भाई ऐसे ऐसे लोग वायरल हो जाते हैं, ना तो कभी किसी ने यूट्यूब का कोर्स किया, ना कोई वीडियो एडिटिंग जानता, ठीक है, कुछ नहीं जानता कि यूट्यूब से पैसा भी कमा सकते हैं, और आज वो लोग वायरल हो गए। ऐसा भी तो हो जाता है ना। अब वो किस पर डिपेंड करता है? हमारी 1% किस्मत पर डिपेंड करता है। और टैलेंट और किस्मत का कॉम्बिनेशन बन गया ना, तो आपका भी बहुत जल्दी भला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे एक सफल वाक्य है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो काम करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। आपके नसीब में 10 दिन लेट हो सकता है वो फल, 100 दिन लेट हो सकता है, लेकिन अगर आप कर्म कर रहे हो तो भगवान की तरफ से उस कर्म का आपको फल भी जरूर दिया जाएगा।